प्रभाविता का नियम, मतलब क्या होता है, मेंडल ने क्या लिया, एक लंबेपन का लक्षण लिया, एक गोलेपन का लक्षण लिया। उनके अंदर जो एफ1 पीढ़ी है उसमें सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए, लंबे पौधे प्राप्त हुए, सारे के सारे कैसे हुए, लंबे पौधे प्राप्त हुए। कारण, क्योंकि जो लंबापन का लक्षण था वो कैसा था, प्रभावी था, और जो गोलेपन का लक्षण था वो कैसा था, अप्रभावी था। वो प्रकट नहीं हुआ लेकिन प्रेजेंट था, उसे क्या नाम दिया गया, प्रभाविता का नियम। पहला नियम है मंडल ने प्रभाविता का नियम, दोबारा बता दियो, जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो एफ1 पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को प्रकट कर पाता है, लंबे प्रकरण का लक्षण अपने आप को प्रकट कर पा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण। गोलेपन का लक्षण चुप गया है, अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहा है तो उसे कहेंगे अप्रभावी लक्षण। और इस नियम को कहते हैं प्रभाविता का नियम। ठीक है, पहला नियम हो गया मंडल का। दूसरा है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। नाम क्या है, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखिए, जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो एफ1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे कैसे होते हैं, सारे प्रभावी लक्षणों वाले होते हैं। अब जब इनके अंदर स्व परागण करवाया जाता है, ठीक है, इनके अंदर क्या करवाया जाता है, स्व परागण। जब स्व परागण करवाया जाता है जो नेक्स्ट एफ2 पीढ़ी है उसमें लंबे पौधे प्राप्त होंगे, गोने पौधे प्राप्त होंगे, मतलब प्रभावी लक्षण भी अपने आप को प्रकट करेगा और अप्रभावी लक्षण भी अपने आप को प्रकट करेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मक जैसे लंबा पन एक युग्मक है, गोना पन एक युग्मक है। पहली पीढ़ी में गोना पन छूट गया लेकिन प्रेजेंट था, मतलब प्रेजेंट था, मतलब शुद्ध है, इसका मतलब प्रभाव है, प्रभाव इसका मतलब नहीं हो पूरी तरीके से रिजेक्ट हो गया, काम में नहीं, किसी काम में नहीं, नहीं, प्रेजेंट है, शुद्ध है, स्वप्रागण का एक्टिव पीढ़ी बनी, उसमें उसने अपना लक्षण प्रकट किया, मतलब वो वास्तविक रूप से उसने दर्शन दिए, तो उसको क्या कहेंगे, युग्मकों की शुद्धता का, मतलब किसी भी कारण हो जाए वो अपना प्रभाव व्यक्त ना करे लेकिन वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, उसे क्या कहेंगे, युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो एफ1 पीढ़ी में सारे पौधे कैसे होंगे, प्रभावी पौधे होंगे, प्रभावी लक्षण वाले होंगे। जब इनके अंदर सह परागण करवाया जाता है तो एफ2 पीढ़ी है उसमें आधे प्रभावी होंगे, आधे अप्रभावी लक्षणों वाले पौधे होंगे, क्योंकि युग्मक क्या है, प्रेजेंट होते हैं या अपना प्रभाव व्यक्त नहीं कर पाते हैं लेकिन अगर उनको थोड़ा समय मिलता है तो अपना प्रभाव व्यक्त कर पाते हैं, उसे क्या करेंगे, युग्मकों की शुद्धता का नियम। थर्ड नियम है स्वतंत्र अपयुवन का नियम। थर्ड नियम हमारा कौन सा है, स्वतंत्र अपयुवन का नियम। स्वतंत्र मतलब अलग अलग अपना प्रदर्शन करेंगे, ये इसी नियम का थोड़ा सा डिटेल में है कि भाई वो स्वतंत्र है, अपयुवन है, गति करेंगे, मतलब जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों के अंदर संकरण करवाया जाता है एफ1 पीढ़ी में सारे प्रभावी आएंगे, अप्रभावी मौजूद रहेगा लेकिन प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। जब एफ2 पीढ़ी अगर आती है संकरण फिर से करवाते हैं तो क्या होगा, जब दो जन्मों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो प्राप्त संतति के अपने दो सूत्रों की संख्या में जो परिवर्तन होगा, जो युग्मक होंगे वो अपना प्रभाव व्यक्त करेंगे या स्वतंत्र स्वतंत्र गमन करेंगे। जैसे पहले आप ही मान देंगे कौन सा, एक लंबा पन, एक गोला पन, ठीक है। लंबा पन कैसा है, प्रभावी पन है, गोला पन कैसा है, अप्रभावी पन है, ठीक है। हर बार प्रभावी पन अपने आप को प्रकट कर लेता है, अप्रभावी नहीं कर पाता लेकिन प्रेजेंट तो होता है, उपस्थित होता है। तो ये क्या करते हैं, दोनों गुण एक दूसरे पर बिना कोई प्रभाव डाले स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं। एफ1 पीढ़ी में भले ही अपना गुण प्रदर्शित ना कर पाता हो, एफ1 पीढ़ी में अपना गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक है, अपना गुण प्रदर्शित करेगा, क्योंकि कोई भी युग्मक, ठीक है, कोई भी युग्मक एक युग्मक दूसरे युग्मक पर क्या करता है, प्रभाव नहीं डालता है, दबाव नहीं देता है, बस वो अपने खुद के लक्षणों को प्रकट करने में लगा रहता है। तो ये कौन सा हो गया, स्वतंत्र अपयुवन का नियम। मेंडल आए थे, मेंडल ने अपने मटर पर प्रयोग किए, उन्होंने मटर पर प्रयोग करके तीन नियम किए, पहला प्रभाविता का, दूसरा पृथक्करण का, तीसरा स्वतंत्र अपयुवन का नियम। तो ये मेंडल के तीन नियम थे, अपन 10th 11th 12th से पढ़ते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको मेरे को क्वेरी के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।